नमस्कार, मैं हूँ श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं जम्मू के रघुनाथ मंदिर, फेमस मंदिर जो है वहाँ पे हूँ, जहाँ से आज धर्मा ट्रस्ट की ओर से हर साल जो है वो यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा को निकाले पिछले दो वर्षों की अगर बात करें तो पिछले दो वर्षों से कोविड की वजह से यात्राओं पर जो थी वो पाबंदी थी, किसी भी रिलीजियस की कोई भी परमिशन नहीं थी कि कोई झांकी जा किसी तरह की कोई शोभा यात्रा जो निकल जाए। मगर ये पहली बार कोविड के बाद ये पहली बार यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये रघुनाथ मंदिर की अगर बाहर से जहां से शोभा यात्रा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अंदर जो है पूजा अर्चना की गई, रामलला जी की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद यहाँ से ये झांकी जो है जम्मू के पुराने शहर की अगर बात करें तो रघुनाथ बाजार से स्टार्ट होकर राजेंद्र बाजार, सिटी चौक, कनक मंडी, उसके साथ साथ पुरानी मंडी, मोती बाजार, अलग अलग जगहों से होते हुए फिर यहीं पे आकर जो है वो समाप्त होगी। ये शोभा यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। टूरिस्ट जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे पहुँच कर जो है ये देख रहे हैं, मार्केट वाले जो एसोसिएशन वाले जो है पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। शत्रु जी हैं तो कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की।
प्रेसिडेंट है धर्मा ट्रस्ट के, उनसे बात करेंगे। सर आज का आयोजन जो किया गया है, ये यात्रा आज की बड़ी भव्य यात्रा है। हमने दो दिन पहले लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस यात्रा में हिस्सा लें, और यहाँ से ये दिख रहा है कि यात्रा बड़ी भव्य यात्रा है। लोगों का सनातन धर्म में विश्वास बढ़ना चाहिए, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और ये दो साल के बाद यात्रा शुरू हुई है, यात्रा हुई है, कोविड पीरियड नहीं रही, इसलिए लोगों में बहुत उमंग है, बड़ा जोश है। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यात्रा में हिस्सा लें। कोशिश करूंगा सर थोड़ा क्यों हो। इस प्रांत में रहे लोग जो हमारे फले फूले, और जो दो साल ये यात्रा बंद रही, लोग इतने उत्साहित हुए हैं। आप देखिए हजारों की तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे बाहर निकले हैं। और एक मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि रामनवमी का मतलब होता है संस्कार, कि संस्कार बच्चों के लिए, कि वो अपनी माताओं पिताओं को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को और पूरी संस्कृति को बचा के रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी संस्कृति को जो है वो बचा के रखें, जय श्री राम के घोष लगाते हुए डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी भी हैं, उनसे भी समृद्धि है और भारी संख्या में श्रद्धालु हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार से सुख समृद्धि पूरे सूबे में रहे, हमारी पूरी यूनियन टेरिटरी में रहे, इसी की ही कामना आज यहां पूजा अर्चना की गई, और इसी कामना के साथ हम लोग जो हैं वो भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, जय जानकी, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे हरे वाला है। Hey, hey.
लास्ट झांकी जो थी हरे रामा हरे कृष्णा की थी, और ये सारी झांकी जितनी भी निकाली गई है, ये सारे रूट जो इनका होगा पूरे शहर का, पुराने शहर की अगर बात करें तो पुराने शहर का रूट होगा, यहाँ से जो सीढ़ी चौक और शहीदी चौक की तरफ से जाके राजेंद्र बाजार, राजेंद्र बाजार से फिर कनक मंडी, कनक मंडी से पुरानी मंडी, पुरानी मंडी से मोती बाजार, मोती बाजार से बकरनगर से होते हुए जैन बाजार, लिंक रोड से आते हुए फिर यहीं पर आके जो है वो समाप्त होगी। कोशिश यही थी कि पिछले दो सालों से जिस तरह से कोविड की वजह से कोई भी यात्राएं जो थी वो निकाली नहीं गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक ये सारी पाबंदियां लगाई गई थी, मगर अगर बात करें शिवरात्रि के बाद ये सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो केसेस जो थे वो बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो चुके थे, और सरकार ने एक फैसला लिया कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो स्टार्ट जो है वो करने की अनुमति जो है वो सरकार ने दे दी थी। उसी के संदर्भ में ये यात्रा जो है वो आज शोभा यात्रा की बात करें तो रघुनाथ मंदिर से ये यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य पर जो है वो हर साल जैसे निकाली जाती है आज भी निकाली गई है। एक बार की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू।